अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप जी? जी क्या हाल चाल है? और अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा, कुछ पकाऊं? जल्दी से कुछ पकाऊं? क्यों? भूख लगी है मेरे बेटे को। पुलाव क्या बनाना चाहिए? पुलाव। मम्मा आज हांडी पुलाव बना रहे। हांडी पुलाव? जी मैंने नेहा से बीफ बॉयल करके रखने को कहा था, लेकिन वो तो हांडी बनाने के लिए था। नहीं कोई बात नहीं, आप उसका पुलाव बनाए। हांडी पुलाव बनाए? हाँ। ठीक है जनाब, तो फिर हांडी पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन आप कोई क्विक पुलाव बनाते हैं जो फॉर्म फॉर्म बन जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? तो जनाब आज मेरी फैमिली की पुरजोर फरमाइश पे मैं बना रही हूँ, स्पेशली मेरे बेबी की फरमाइश पे हांडी पुलाव। इन्हें पुलाव बहुत पसंद है, और आप यकीन जानें कि इन दिनों हमारे घर में हर दूसरे तीसरे दिन पुलाव ही बना है, और आज भी पुलाव बन रहा है। तो बस मैं फटाफट स्टार्ट करती हूँ पुलाव बनाना, और आप जाके चेंज करें क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है, और करें अपनी ड्राइंग। ठीक है, तो जनाब स्टार्ट कर दिया है हमने झटपट क्विक पुलाव बनाना। चावल मैंने भिगो दिए हैं, सब्जियां मैं काट रही हूँ, और गोश्त तो ऑलरेडी नेहा ने बॉयल कर ही दिया था, तो बस मज़े हो गए। फिर हमारे जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को धो लेते हैं। और जनाब देखें झटपट से हमारी तमाम चीज़ें हो गई रेडी, सब्जियां भी कट गई, गोश्त ऑलरेडी तैयार है, चावल भी भीग चुके हैं। अब बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ओ वाओ, नेहा तो सलाद भी बना रही है, यानी कि आज बहुत मज़ा आने वाला है। हांडी को मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया है, इसमें मैं ऑयल डालती हूँ और इसे भी गर्म होने देती हूँ, और ज़रा देखूँ यहाँ क्या हो रहा है। लीजिए, इब्राहिम साहब ने अपना चेंज करने के बाद ड्राइंग बनाना भी शुरू कर दी है। ज़बरदस्त, क्या बना रहे हैं इब्राहिम? मॉस का दरवाजा जरा दिखाएं। ये मैंने अभी सुबह बनाया था, अभी इसको दरवाजा बना दो। ओ वेल डन इब्राहिम। जरा इधर तो देखें क्या देखा जा रहा है। पुलाव खाने का इंतजार, और साथ में गाने सुने जा रहे हैं, यानी रेस्ट के साथ एंजॉय। और ये मेरी फेवरेट जगह जहां नेहा बैठी हैं और लगवा रही हैं बहुत जबरदस्त किस्म की हवा। अरे हाँ, मैं तो आलू प्याज लेके आई थी, और मैंने उस वक्त को दिए थे संभालने के लिए, और वो बेचारी लगी हुई है आलू प्याज संभालने में, और आलुओं को धो के वो रखेगी अब फ्रिज में। यानी सबको लगाया हुआ है मैंने काम से, पुलाव खाना आसान बात नहीं है। तमाम आलू धुल चुके हैं और अपने मुकाम तक यानी फ्रिज में पहुंचने के लिए तैयार हैं। ये सारे आलू मैंने जो है इसमें डाल दिए थे, और ये दो आलू मैंने पुलाव के लिए बचा लिए। और भाई माशाल्लाह इब्राहिम की मॉस्क भी कंप्लीट हो गई। भाई सब ने अपने काम मुकम्मल कर लिए हैं, और मेरा पुलाव अभी स्टार्ट हुआ है। ऑयल गर्म हो चुका है, और मैंने इसमें शामिल किया है खड़ा गर्म मसाला, जो तमाम होते हैं गर्म मसाले, बादियान, तेज़पत्ता, ये सब, दालचीनी, इलायची, काली मिर्चें, लौंग, और इसमें मैंने शामिल कर दिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट के। इसे मैंने सिर्फ सॉफ्ट ही करना है, इसे मैंने ब्राउन नहीं करना, और इसमें शामिल कर दिया है अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को भी सिर्फ कच्ची स्मेल ख़त्म होने तक मैंने पकाया है, और इसमें मैंने ये तमाम चीज़ें शामिल कर दी एक साथ, जितने भी मैंने प्याज, टमाटर और आलू और बीफ सब एक साथ शामिल कर दिया। इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना भी शामिल किया है, और मसालों में मैंने इसमें सिर्फ नमक और लाल मिर्चें शामिल की हैं। ऑप्शनल है, आप चाहें तो शामिल करें, नहीं तो हरी मिर्चें पीस के डाल दें, जो भी सहूलत मैसर हो, बस क्विकली बना लें। अच्छा, मैंने ये जो एक साथ सारी चीज़ें शामिल कर दी है ना इसमें पकाने के लिए पुलाव में, आप बिलीव करें कि इससे इतना अच्छा टेस्ट आएगा इसमें कि एक बार आप इसे ट्राई करके देखिएगा। अलग से बुनाई करने में और सब बड़ा टाइम लगता है, और सब बिल्कुल भी टाइम नहीं, और बच्चों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है,
तो आपको भी जब क्विक एंड इजी पुलाव पकाना हो ना तो मिनटों सेकंडों में बन जाने वाला पुलाव है ये, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जनाब यहाँ जमा हो गए ढेर सारे बर्तन धोने के लिए। मम्मा ये क्या डाला मैं? चाइनीज सॉल्ट? चाइनीज सॉल्ट डाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। बस अब चावल मैंने जो भिगो के रखे थे वो शामिल कर दिए हैं। ये चावल भी लगभग आधा किलो से थोड़े ज़्यादा ही थे, यानी 3 पाव होंगे, 750 ग्राम। बस अपने घर में तो पकाते वक्त सब अंदाजे से ही चलता है ना, तो बस मैंने अंदाजे से ही 3 पाव या 750 ग्राम के करीब चावल, इतने ही हमारे घर में खाए जाते हैं एक वक्त में, तो मैंने बना दिए थे। चावल के जाते ही तमाम मसाले बड़े खुश खुश हो गए हैं और मिलके बड़े मज़े से पक रहे हैं, और अब टाइम आ गया है दम लगाने। अच्छा, इसमें मैंने कुछ जो है स्लाइसेस लेमन के भी डाले थे। और ये लग गया दम। और हाँ, पानी शामिल करने के बाद नमक ज़रूर एडजस्ट कर लीजिए। और जब तक चावलों को दम आता है मैं बैठ गई हूँ अपनी फेवरेट जगह पे, यहाँ बैठ के ठंडी ठंडी हवा खाना, चांद को देखना बादलों में से छुपते निकलते, मुझे बड़ा पसंद है। बड़ा ही प्लेजेंट सा फील होता है, एक ठंडक सी फील होती है थकन के बाद, बड़ा ही सुकून मिलता है मुझे इस जगह पे बैठ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उठ जा भाई। मैं तुम राले टपकाती रहती हो। नहीं, ये जो पहली स्मेल आती है ना, मतलब टूटा नहीं, मुझे तो ये था शायद चावल टूट जाए। नहीं नहीं, हांडी में बहुत अच्छे बनते हैं भाई, जबरदस्त। आलू गल गए? हाँ, परफेक्टली। यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता कि गले ना। ये देखो, सो स्मूथ, सॉफ्ट। मम्मा बस तो जी, अब बारी है दस्तरखान लगने की। हमारा ज़बरदस्त सा हांडी पुलाव हो गया है तैयार, और सब बेचैन है खाने के लिए, सबको बहुत भूख लग रही है। और बस मैं इसी के साथ अपनी वीडियो का जो है वो एंड करूँगी, और दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक सबके घर की खुशियाँ और बरकतें जो हैं वो सलामत रखे, और इसी तरह से सब हंसते मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े के खाने खाते रहें और पकाते रहें, और अल्लाह सबके घरों की दस्तरखान की बरकतें सलामत रखे। इंशाल्लाह एक और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।